इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो सबसे पहले ऐसे 315 के अंदर अपन क्या करते हैं, रिस्क को फाइंड करते, असिस करते, 330 को उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर 260 एंड 265 के हिसाब से कम्युनिकेट करेंगे, एंड 450 के हिसाब से रिस्क ढूंढो, रिस्पॉन्ड करो, 450 में रिजल्ट लगाओ। बेसिकली यही है, ये सीक्वेंस हो गया। ऐसे 450 का मेन पर्पस क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। इवैल्यूएट करना मतलब क्या करना है कि जो जमा करे उसका क्या अल्टीमेट ओपिनियन आएगा, कंक्लूजन या ओपिनियन पे फर्क, कंक्लूजन क्या बनता है वो देखने का। आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। अनकरेक्टेड मतलब मिस स्टेटमेंट ढूंढे, मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट हुई, मैनेजमेंट ने रेक्टिफाई, दैट इज अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 450, अपने को क्या है इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन एन ऑडिट, ऑडिट के ऊपर क्या इफेक्ट है, एंड इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ये अपने को बेसिकली चेक करना है। अकोमुलेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, तुमको जो भी गलतियां मिली वो जमा करना है, उसमें से कौन सा हटाना है, इम मटेरियल। इसके लिए वर्ड क्या है, ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब चिल्लर, इम मटेरियल है। तो टोटल मिस स्टेटमेंट से चिल्लर वाले मिस स्टेटमेंट हटा दो। अब मिस स्टेटमेंट क्यों होते हैं, चार पांच रीजंस दिए हैं, क्या इनएक्यूरेसी ऑफ गैदरिंग, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ओमिशन, डिस्क्लोज, ये रीजंस है कि व्हाई मिस स्टेटमेंट्स हैपन। फिर कंसिडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट एज ऑडिट प्रोग्रेस। तो मिस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट दो चीजों पे आता है, कौन से दो चीजों पे आता है, ओपिनियन एंड स्ट्रेटजी, इन दोनों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और अपने को क्या करना है कि एक आधी मिस स्टेटमेंट मिली है तो ऐसी मिस स्टेटमेंट और भी रह सकती है, ऐसे मिलने के चांसेस है, इसलिए अपने को चेकिंग करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, 10 में से इतना मिला तो 100 में से कितना मिला, इसलिए ऐसा अपन और ऑडिट चेकिंग बढ़ाएंगे। और क्या करेंगे, जो एग्रीगेट हो गए मिस स्टेटमेंट वैसे 320 के हिसाब से मटेरियल है कि नहीं चेक करेंगे। सिर्फ चेक अपन करेंगे, मैनेजमेंट को भी बोलेंगे, अपन हमेशा चेक करना जरूरी नहीं है। जैसे इन्वेंट्री काउंटिंग मैनेजमेंट करता है, मैं गलती ढूंढूंगा, मैनेजमेंट को बोलूंगा कि ऐसी गलतियां हो रही है, तुम भी चेक करो, तुमको समझ में आएगा, अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट क्यों हुआ है, और फिर ये मिस स्टेटमेंट तुम रेक्टिफाई करो, प्रॉपर एडजस्टमेंट्स करो, अपन उसको प्रोजेक्ट करके देंगे और फिर वो एडजस्टमेंट करेंगे। अपन ने मिस स्टेटमेंट ढूंढी, मैनेजमेंट को बताई, मैनेजमेंट ने अंडरस्टैंड करी और उसका एडजस्टमेंट ले लिया, अपना काम खत्म हुआ नहीं, तो अपन वापस से क्रॉस चेक करेंगे कि मैनेजमेंट ने मिस स्टेटमेंट्स हटाई है या नहीं हटाई है। तो अपना काम है कि मिस स्टेटमेंट हटाया है कि नहीं वो चेक करना। फिर कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स, फिर क्या करना है अपने को, कम्युनिकेशन करना है टाइमली बेसिस पे मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद करने, और उनको बोलना है कि मिस स्टेटमेंट प्लीज इसको करेक्ट करो। अपन उसको देखो ढूंढे, रिक्वेस्ट कर रहे भाई चेंज कर, अभी इसके बाद भी वो डिसएग्री कर रहा है, फिर अपन क्या करना है, तो अपने को डिसएग्री, तो अपने को नेसेसरी एक्शन लेना है। नेसेसरी एक्शन क्या है, वो थोड़ा नीचे बोला है तो अपन उसको रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करके उसने करना चाहिए, नहीं करा है तो फिर अपन अंडरस्टैंड करेंगे। अपने को और क्या करना है कि एक नया है, रिड्यूसेस द रिस्क, ये कौन सी वाली बात कर रहा है, आज के तारीख में जो इमटेरियल है वो फ्यूचर में अक्यूमुलेट होते होते मटेरियल बन सकता है, तो उसकी भी रिस्क अपने को आज कम करनी है। अगर वो रिफ्यूज करता है तो फिर अपने को रीजंस पूछना है, और रीजन सेटिस्फैक्ट्री है तो ओके, इफ नॉट सेटिस्फैक्ट्री चेंज द ओपिनियन। इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, मटेरियलिटी चेक करो। मटेरियलिटी कहाँ पे चेक करना, साइज एंड नेचर आर बोथ द लेवल्स, कौन सा, अकाउंट लेवल एंड बैलेंस शीट लेवल। अकाउंट बैलेंस बोलते ही वो तीन चार चीजें बोलना चाहिए, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर। तो बेसिकली ये चीजों पे चेक करना है एंड ओवरऑल बैलेंस शीट लेवल पे चेक करना है। इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड्स, और प्रायर पीरियड में जो छोड़े थे वो जमा होते 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 इस साल मटेरियल हुए हैं क्या, चेक करो। कम्युनिकेशन विद दो चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट को बताएंगे हमने मिस स्टेटमेंट ढूंढी है, तुम तुम्हारा चेक कर लो। अगर तुम अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट रखते हो, मतलब हमने बोले वाली चीजें तुम चेंज नहीं करते, तो हम क्या चेंज करेंगे, ओपिनियन, अदरवाइज हम चेंज करने को रेडी है। तो वो प्रायर पीरियड के बेसिस पे भी रहा तो भी उसके भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, उनको एक बार बताओ, उसके बाद भी नहीं।
अपन ने मिसस्टेटमेंट ढूंढे, रिक्वेस्ट करे, फिर भी नहीं सुन रहे, फिर क्या करना चाहिए? हाँ, फिर अपन ने, वेरी गुड, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, उनसे लिख के लो क्या ये जो हमने दिए तुमको इमटेरियल लग रहा है, और उसकी लिस्ट देंगे क्या उसमें? यस, समरी ऑफ द ऑल आइटम्स अटैच करेंगे उसके साथ। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे कि कौन से अमाउंट के नीचे ये ट्रिवियल है, अकुमुलेट करते करते जाके वो मटेरियल बन सकता है, एंड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस। तो क्या कंक्लूजन है? तो बेसिकली ये कौन सा ऐसे 450 है, 450 बेसिकली शॉर्ट में अगर बोलना है, मिसस्टेटमेंट ढूंढो, रिक्वेस्ट करो, चेंज करेंगी मैनेजमेंट, चेंज करने के बाद अपन क्रॉस चेक करेंगे, अगर नहीं करी तो TCWs को बात करो और बोलो कि ओपिनियन चेंज हो सकता है, फिर भी नहीं करे रीजंस पूछो, रीजन अंडरस्टैंडेबल है, ओके नहीं है तो फिर नहीं, अल्टरनेट इधर नहीं है, फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देके सेव करो, और एट लास्ट स्टेप इज ओपिनियन चेंज। आराम से पहले मिसस्टेटमेंट ढूंढेंगे, उनको करेक्शन करने को देंगे, करेक्शन करे तो क्रॉस चेक करो, नहीं कर रहे कम्युनिकेट करो TCWG के साथ कि ऐसा कर रहे बोल के, और उनको बताओ कि ओपिनियन चेंज करने की ताकत है, नहीं कर रहे फिर उनको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो और उनको बताओ कि भाई अब तुम इमटेरियल बोल रहे तो ठीक है, और अदरवाइज ओपिनियन तो चेंज हो गई, एट लास्ट अगर कुछ भी नहीं मिला तो ओपिनियन चेंज होगा। बट इसके अंदर दो मिसस्टेटमेंट्स आएंगे, एक जो करंट ईयर की है जिसमें से इमटेरियल, और प्रायर पीरियड के जो उस टाइम पे इमटेरियल थे और अभी मटेरियल बन चुके, ऐसे 450, समझा?